चिल्ड्रेन गुड मॉर्निंग. टुडे वी विल डू चैप्टर सेकंड दैट इज प्रोनाउन. ओके दीज आर द प्रोनाउन. डोंट मिसअंडरस्टूड. ओके दीज आर द प्रोनाउन आई वी यू दे ही शी इट एनी नेम. ओके ही शी इट. ओके दीज आर द प्रोनाउन. दीज आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन. ओके सो लेट अस सी व्हाट इज रिटन हियर. आई एम पीटर. आई एम अ बॉय. आई एम इन क्लास वन. I am 5 year old. I am Nina. I am a girl. I am in class 1. I am 5 year old. Okay. So जब भी ये nouns, ये pronouns जब भी use होते हैं तो वो किसी के नाम के लिए use होते हैं. जैसे I. अब मेरा नाम जो भी है लेकिन मैं अपने लिए I use कर रही हूँ. Okay. तो मैं आई क्या हुआ, एक प्रोनाउन हुआ, क्योंकि आई नाम के जगह पे यूज़ हो रहा है. तो जो वर्ड नाम की जगह पे यूज़ होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं. जैसे किसी लड़के का नाम है, अब हमें उस लड़के का नाम नहीं पता तो हम उसे क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे. ओके जैसे किसी लड़की का कुछ नाम है लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता तो हम उसको क्या बोलेंगे, शी बोलेंगे. ओके ऐसे ही तो ये सारे आई यू ही शी इट ये सब होते हैं किसी के नाम के लिए यूज़ होते हैं. जैसे किसी का नाम जब नहीं पता होता है या हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं किसी का नाम तो हम उसकी जगह पे इन प्रोनाउंस का यूज़ कर देते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है. ओके प्रोनाउन ऐसे यू, यू भी एक प्रोनाउन है. यू आर रीना. यू आर अ गर्ल. यू आर इन क्लास वन. यू आर 5 year old. You are Amar. You are a boy. You are in class 1. You are 5 year old. He is Manjeet. ऐसे ही यहाँ पे ही का यूज़ किया गया है. यहाँ भी ही का यूज़ किया गया है. यहाँ पे शी का यूज़ किया गया है इस लड़की के लिए, है ना. मैंने आपको बताया हाँ, यहाँ पे डॉग के लिए जब भी किसी एनिमल का नाम आता है तो अगर हम उसका नाम नहीं लेना चाहते ना उसको इट भी बोल देते हैं, है ना. उसकी जगह पे हम इट का भी यूज़ कर सकते हैं और किसी मटेरियल के लिए भी हम इट का यूज़ कर देते हैं. जैसे यहाँ पे बॉल के लिए इट यूज़ हुआ है और यहाँ पे एक पपी के लिए, डॉग के लिए इट यूज़ हुआ है. चलिए देखते हैं आगे क्या है. पॉजिटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव्स क्या होते हैं हम इनको देख लेते हैं. वी यूज़ आई एम विद आई. आर विद यू. इज़ विद ही. इज़ विद सी. इज़ विद इट. ये तो रहने दीजिए, आपको समझ नहीं आएगा. पहले हम इसका पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है ये. ठीक है. आई एम अ बॉय. यू आर अ गर्ल. पहले हम पॉजिटिव पॉजिटिव बनाएंगे. पॉजिटिव का मतलब जिसमें ना ना हो. ओके पॉजिटिव का मतलब यही होता है कि जिसमें ना वर्ड, नहीं वर्ड, ना हो. ओके तो इसमें कहीं भी नॉट, नो जैसा वर्ड कुछ भी नहीं दिख रहा है. जैसे यहाँ पे देखिए, आई एम अ बॉय. यू आर अ गर्ल. ही इज़ अ बॉय. शी इज़ अ गर्ल. इट इज़ अ बॉय. अब देखिए निगेटिव में. अब निगेटिव में आपको पॉजिटिव कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना. ओके तो निगेटिव क्या है यहाँ पे. आई एम नॉट अ गर्ल. यहाँ पे सब जगह नॉट लगेगा. ओके निगेटिव जब भी होता है हर जगह नॉट लगता है. आई एम नॉट अ गर्ल. यू आर नॉट अ बॉय. He is not a boy. She is not a girl. It is not a boy. अब इसका interrogative देखिए, same sentence है. इसी का negative, इस ये positive है. Positive का ही negative बन रहा है. Not लगाया तो negative बन गया. अब interrogative में क्या होता है, ये जो helping verb होती है ना ये बाहर चली जाती है. ये जैसे देखिए, am I a boy? Are you a girl? Is he a boy? Is she a girl? Is it a ball? Okay, कुछ भी नहीं हुआ. ये पॉजिटिव था. निगेटिव में हमने नॉट लगाया. और इंटेरोगेटिव में क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना जैसे एम, आर, इज और इज, ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं इंटेरोगेटिव्स में, बाहर आ जाती हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है. बस इतना ही अंतर होता है और कुछ भी नहीं होता है इसमें. ओके चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं. अब ये हमें क्या करना है, इसका एक्सरसाइज देखिए क्या करना है वर्कशीट में. ए नंबर, लुक एट द पिक्चर एंड राइट आई यू ही शी और इट इन द ब्लैंक. अब हमें देखो, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कहाँ पे किस चीज, वो अपने आप को बोल रहा है, कहाँ पे शी को बोल रहा है, कहाँ को इट, कहाँ वो इट को बोल रहा है, कहाँ ही को बोल रहा है. ओके कहाँ क्या बात की जा रही है, उस अकॉर्डिंग हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. जैसे एम अ बॉय, तो एम के साथ हमेशा आई लगेगा. जैसे
जैसे हम भी बोलते हैं ना, हम यूज़ करते हैं आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम प्लेइंग, आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो यहाँ पे एम है तो समझ जाओ कि आई ही होगा, ठीक है। श्री के साथ कभी एम नहीं आ सकता है, ही के साथ कभी एम नहीं आ सकता है, एम हो तो हमेशा पहले आई ही लगेगा, है ना। तो चीटिंग हमें नहीं करनी है कि हम एम लगा है तो आई को देखें, आई भी होगा तब भी एम, अगर आई आएगा तो एम आएगा, एम आएगा तो आई आएगा, ये दोनों साथ में रहेंगे, ओके। नेक्स्ट, ये देखो, ये दो लड़के हैं, ये अपने आप के लिए बोल रहा है, पहले तो देख लो, ये अपने आप अपनी तरफ हाथ किया ना, मतलब ये अपने आप को बोल रहा है, इसमें ये समझने का एक अच्छा तरीका। इसमें देखो, ये लड़का इसकी तरफ इशारा कर रहा है, मतलब ये दोनों इसके लिए बात कर रहे हैं ना, तो ये कौन है, शी है, कोई लड़का तो है नहीं। अगर यहाँ पे लड़के का फिगर बना हुआ होता तो ये लड़का होता, तो यहाँ पे हम क्या लिखते, ही लिखते, लेकिन यहाँ पे ये लोग लड़की के बारे में बात करते, तो यहाँ पे क्या होगा, शी। अब यहाँ पे देखो, ये लड़का किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, इस चेयर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि मटेरियल्स की तरफ हम इट लगाते हैं, है ना, मटेरियल्स में हम इट लगाते हैं, तो ये लड़का चेयर की तरफ इशारा कर रहा है, तो हम यहाँ पे इट लगा देंगे, इट इज़ अ चेयर। ये देखो, अब ये लड़का किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, इस डॉक्टर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो मतलब इस लड़की को बता रहा होगा कि ये डॉक्टर है, तो ये आदमी है, औरत तो है नहीं, है ना। अगर यहाँ पे लेडी डॉक्टर होती तो हम यहाँ पे सी लगाते, ये क्योंकि जेंट्स डॉक्टर है हमें दिख रहा है पिक्चर में, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे ही इज़ अ डॉक्टर। अब यहाँ पे देखो, ये टीचर है और ये लड़की है, ठीक है, लेडीज़ हैं, ये पढ़ा रही हैं, तो इनके लिए तो हम ही नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, शी। आपको पिक्चर से देख के बहुत कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ पे शी लगाना है, कि लड़कियों के लिए हमेशा शी लगाना, लड़कों के लिए हमेशा ही लगाना, ओके। तो यहाँ पे लड़की है इसलिए हम शी लगाएंगे। अब ये देखो, फिर से अपनी तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो आई एम अ स्टूडेंट, अपनी तरफ बोल रहा है, और हमेशा यहाँ पे देख लेना, एम होगा तो यहाँ पे आई ही लगेगा। अब देखो, ये लड़का इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, है ना, तो यहाँ पे देखो आर है, है ना, तो आर है, तो ही के साथ तो आर लगता नहीं है, श्री के साथ भी आर नहीं लगता है, है ना, यू के साथ आर लगता है, यहाँ पे ऊपर आपको एग्जांपल में दिया भी गया था, आर विद यू, एम विद आई, है ना, तो आपको इतना ऊपर वाला थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। और ये देखो, ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, बैट की तरफ, बैट क्या है, एक मटेरियल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इट इज़ अ बैट। देखो, और ये दोनों इस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस आदमी का नाम क्या है, जॉन, तो हम जॉन इज जॉन नहीं कर सकते, है ना, मैंने कहा ना, किसी नाम को एक सेंटेंस में दो बार रिपीट नहीं करते हैं, है ना, वो गलत हो जाता है। तो ये लड़का इसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो पहले तो हम जान पता है हमें कि ये लड़का है, इसने शर्ट पैंट पहना है, तो हम यहाँ पे ही ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या जो होगा, ही इज़ जॉन, ओके, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।